ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पर लगाया चोरी का इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप सभी ने, ये स्टेटमेंट आ रही है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ऑनगोइंग सीरीज एशेज से रिलेटेड, जहां पर ये सीरीज जानी जाती है अपने प्लेयर्स की गर्मा गर्मी के बीच में, अपनी ऑफ फील्ड एंड ऑन फील्ड लड़ाइयों के बीच में। वहीं से हमें खबर आ रही है, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही में हुआ था सेकंड टेस्ट मैच में जॉनी बेस्टो का कॉन्ट्रोवर्शियल रनआउट, जिसमें वो अपनी क्रीज से आगे निकले थे और एलेक्स कैरी ने उन्हें रनआउट कर दिया था। अब तीसरे टेस्ट मैच की खबर है एलेक्स कैरी से ही रिलेटेड। मैं आप सभी को बता दूं कि हाल ही में चलते हुए थर्ड टेस्ट मैच के बीच में, जहां वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एंड सक्सेसफुल ओपनर्स और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कमेंट्री करते हुए कहा कि मुझे एक इंसान ने बताया कि ऑस्ट्रेलियन टीम्स के कुछ प्लेयर बाल कटवाने गए थे और वहीं पर ऑस्ट्रेलियन टीम के विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने बाल कटवाने के बाद पैसे देने से मना कर दिया। अब ये स्टेटमेंट सुनने में हम सबको ही काफी शॉकिंग लगी और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने भी स्टेटमेंट का जवाब दिया। स्टीव स्मिथ ने इंस्टाग्राम के नए ऐप थ्रेड्स पे कहा कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि जब से हम लंदन में थे तब से एलेक्स कैरी ने बाल नहीं कटवाए हैं, अपने फैक्ट सही रखें। और यह चीज देखने के बाद एलिस्टर कुक ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि गलत पहचान का मामला है, इसलिए मैं गलत पहचान के लिए माफी मांगता हूं एलेक्स कैरी। अब देखना यह होगा कि एलिस्टर कुक की इस स्टेटमेंट के बाद क्या दोनों टीम्स कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है या इस मामले को यही रफा दफा कर दिया जाएगा। आप सभी को क्या लगता है कि एलिस्टर कुक ने क्या सही कदम उठाया था, कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।